सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन की प्राइमर। इसके बाद मैं यूज करूंगी ब्लू हेवन का फ्लोरिना फाउंडेशन इन द शेड नेचुरल ग्लो। ये फाउंडेशन बहुत ही सिल्की स्मूथ फिनिश देता है गाइस, ये लो टू मीडियम कवरेज देता है, लेकिन अगर आप ड्राई स्किन हो तो हेवी मॉइस्चराइजर ज़रूर अप्लाई करना क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटिफाइंग है। ये फाउंडेशन स्पंज से ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था क्योंकि मैंने कोई हेवी मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं किया था, इसलिए मैं ऐसे हैंड से ही ब्लेंड कर रही हूँ। फिंगर से ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया। इसके बाद मैं थोड़ा सा फाउंडेशन और लूँगी अपने अंडर आइज़ को थोड़ा सा ब्राइटन अप करने के लिए क्योंकि मेरे पास ब्लू हेवन की कोई कंसीलर नहीं है। इसके बाद मैं सेट करूंगी फेस को ब्लू हेवन की बी माई सेल्फ कॉम्पैक्ट के साथ। इसका शेड है 4 नेचुरल। ये कॉम्पैक्ट काफ़ी अच्छा है। मैं सिर्फ अपने टी जोन एरिया को ही थोड़ा सा सेट करूंगी और अपने अंडर आइज़ को क्योंकि फाउंडेशन काफ़ी मैटिफाइंग है। उसके बाद मैं यूज़ करी ब्लू हेवन की डायमंड ब्लश। ये ब्लश काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है गाइस, तो आप थोड़ा थोड़ा ही प्रोडक्ट लेना। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी एक और डायमंड ब्लश, ये एज अ हाइलाइटर मैं यूज़ करूँगी। एज अ हाइलाइटर ये परफेक्ट है डस्की स्किन टोन गर्ल्स के लिए। इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी ब्लू हेवन की स्प्लैश मैट लिपस्टिक इन द शेड 312। लेकिन ये शेड मुझे थोड़ा सा फ्लश ऑफ कर रहा था इसलिए मैंने एक लिप लाइनर यूज़ किया। मैंने वर्टन वाइल्ड का लिप लाइनर यूज़ किया इन द शेड चेस्टनट। अब मैं स्टार्ट करूंगी आई मेकअप। सबसे पहले मैं वही कोरल कलर की जो ब्लश थी उसको एक क्रीज लाइन पर बफ कर रही हूँ एंड मैं तब तक इसको इंटेंसीफाई करूंगी जब तक मुझे अपना डिज़ायर्ड कलर नहीं मिलता। अभी मैं सेम हाइलाइटिंग शेड को अपने इनर 1/3 पे लगाऊंगी। ब्रश से ज़्यादा अच्छा पिगमेंटेशन नहीं आ रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रश को वेट कर लिया सेटिंग स्प्रे के साथ।
अब देख सकते हो गाइस कितना अच्छा पिगमेंटेशन आ रहा है अभी। इसके बाद मैं फिर से वही कोरल कलर को लेके एजेस को थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। लोअर लैश लाइन पे मैं यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन की ग्रीन काजल। मैं थिकली इस काजल को लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूंगी। ये काजल बहुत सॉफ्ट है गाइस, अनस्मज प्रूफ भी है। ये काजल बहुत अच्छा है 125 रुपीस में। फिर मैं सेम काजल की हेल्प से अपनी अपर लैश लाइन पे एक थिन काजल अप्लाई करूंगी एक लाइनर की तरह। आप देख सकते हो अब मैं सेम कोरल कलर को लेके लोअर लैश लाइन पे थोड़ा सा स्मज करूंगी। अब मैं यूज कर रही हूँ मस्कारा। मेरे पास ब्लू हेवन का कोई मस्कारा नहीं है तो मैं यूज कर रही हूँ मेरी कलर बार की जूम एंड वूश मस्कारा। अब मैं अपने फेस को अच्छे से सेट कर लूंगी ब्लू हेवन के मेकअप फिक्सर के साथ। इस मेकअप फिक्सर के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जरूर चेकआउट करना।